कुछ चीजें ना वो बनाई जाती हैं आर्टिफिशियल ढंग से। जैसे राजा राम मोहन राय ने कोई सती प्रथा खत्म नहीं की थी, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है। ये उनका पेशा ही अलग था, और उनको मतलब वो एक नेता बनाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए ऐसे कुछ दो चार वो चांस दिखा करके, तो बहुत चीजें जो है ना वो यथार्थ से दूर होती हैं, जो इतिहास में दिखाई हुई जाती है ना वो पूरा सत्य नहीं होता है। बहुत बड़ी मात्रा में ये रही होगी, ऐसे ऐसा नहीं मिलते इसके प्रमाण। कुछ कुछ थे, कुछ स्थान हैं पूरे देश में, आप ऐसे सती मंदिर देखने जाओगे सब बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, और उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया। जैसे किसी किसी व्यक्ति को बनाना होता है ना, नेता बनाना होता है। स्वामी जी ने एक आंदोलन शुरू किया तो उसमें उनको अन्ना हजारे जी को ला करके पहले यहाँ सम्मानित किया, उनको जानते भी नहीं थे लोग उस समय। महाराष्ट्र में कुछ लोग जानते थे, उत्तर भारत में तो कम से कम बिल्कुल ही नहीं जानते थे। यहाँ आकर के उनको पहले पुरस्कार दिया, फिर उनको आंदोलन में लेके गए, और थोड़े दिन के बाद कुछ लोगों ने स्वामी जी को डाउन करने के लिए और उनको उस रूप में प्रस्तुत किया। फिर वो एक बार तो प्रस्तुत कर सकते हैं, फिर उसके बाद तो जो व्यक्ति का अपना असली अस्तित्व व्यक्तित्व होता है वो ही ज्यादा स्थापित हो पाता है ना। तो ये कोई ज्यादा खास खोजने योग्य प्रश्न नहीं है कि क्यों हुई ऐसा, ना अपने को कुछ उससे लेना, ना आज है, आज हमें क्या करना है। और रामायण से संबंधित कोई प्रश्न उस पर अपन चर्चा करेंगे, है ना। मतलब हमारे जीवन से संबंधित जिसमें हमारा कोई उत्कर्ष हो, ऐसे प्रश्नों पे यदि अपन चर्चा करेंगे तो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ऐसा कोई है तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो इन्होंने कहा कि आपने हमें बहुत हृष्ट पुष्ट किया, अब आप सब जानने वाले हैं, आपको इशारा ही काफी है। वाक्य विशारद वाक्यम श्रूयताम, हे शब्दों के सहंशा, शब्दों को जानने वाले वाक्य विशारद, अब मैं एक बात कहता हूं, अब आप उसको सुनिए। गवां शतसहस्रेण दीयतां शबला मम रत्नम हि भगवन्नेतद् रत्नहारी च पार्थिवः तस्मान्मे शबलां देहि ममैषा धर्मतो द्विजः एवं मुक्तस्तो भगवान् वसिष्ठो मणिपुङ्गवः विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम् नाहं शतसहस्रेण नापि कोटिशतैर्गवां राजन् दास्यामि शबलां राशिभिरजतस् न परित्यागमर्हेयं मत्सकासादरिन्दमाम्। तो इन्होंने कहा शत सहस्रेण गवाम दीयताम शबला ममा, हजारों गायों के बदले में, शत सहस्र सैकड़ों हजार मतलब 1 लाख, शत सहस्रेण गवाम शबला गवाम मम दीयताम, आप इसके बदले में लाखों गायें ले लें लेकिन ये मेरे को दे दें, शबला मेरे को दे दें, क्योंकि रत्नम ही भगवान एतद्, हे भगवान एतद् रत्नम ही, निश्चित रूप से ये तो गाय क्या है, एक रत्न है, तो रत्न का मतलब होता है बहुमूल्य कीमती, कह देते हैं ना भाई ये तो मनुष्य क्या है, एक रत्न है, ये तो पुत्र क्या है, आपके घर में एक हीरा है, ये तो बेटी क्या है, एक रत्न है, तो पुत्र रत्न पुत्री रत्न ऐसे बोला जाता है। तो कहा रत्नम ही भगवान एतद्, हे भगवान ये तो एक रत्न है। रत्न की ये खूबी होती है कि वो रात के अंधकार में भी चमकता है, बाकी के जो कांच पत्थर आदि हैं वो तो सूर्य के प्रकाश में चमकते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हो तो रत्न भी वैसे ही चमकेगा और कांच का टुकड़ा भी वैसे ही चमकेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों की शाइनिंग वैसी ही होती है। लेकिन जब रात में अंधकार होता है तो कांच का टुकड़ा तो पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पड़ा है, बिल्कुल भी नहीं चमकता है, लेकिन रत्न ज्योति की तरह से चमकता है अंधकार में। तो अच्छे
व्यक्ति जो है रत्न स्वरूप जो है उनमें और सामान्य व्यक्तियों में क्या अंतर है। कभी कभी जो सामान्य व्यक्ति हैं वो भी इस तरह का आचरण दिखाते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसी कुशलताएं होती हैं। आजकल तो ऐसी शिक्षा दी जाती है लोगों को ना, तैयार किया जाता है कि आप एक बड़े आदमी हैं तो आपको ऐसे बोलना है, ऐसे चलना है, आपको कोई खाने के लिए कोई वस्तु दे तो ऐसे खाना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स बोलते हैं उसको, आपको ऐसे ऐसे करना है। और एक होते हैं सहज रूप से रत्न, वो तो सहज ही सेलिब्रिटी होते हैं, वो अपने ढंग से खाते हैं, अपने ढंग से बोलते हैं, अपने ढंग से रहते हैं, लेकिन तो भी वो अंधकार में चमकने वाले रत्न जैसे होते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है, एक थोपा हुआ महानता और एक रियल महानता। दो प्रकार की महानताएं होती हैं और ये सब जगह होता है, ये राजनीति में भी होता है, ये समाज में भी होता है, ये परिवारों में भी होता है, ये साधकों में भी होता है, सन्यासियों में भी होता है, सब जगह होता है। एक होता है थोपा हुआ किसी के ऊपर, एक होता है रियल। तो रियल को तो कोई डर होता नहीं है, लेकिन थोपे वाले को पग पग के ऊपर संभाल के रखना पड़ता है अपने आप को। तो कई बार जैसे ये सेलिब्रिटी आदि होते हैं तो उनसे कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे और कहीं ऐसे धूप आदि में जाना पड़ जाए उनको, और वहाँ धूप में फिर मीडिया कोई बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछ ले तो फिर वो झुंझला जाते हैं। तो तब पता लगता है कि वहाँ जो बोल रहे थे वो सिखाया हुआ था इंटरव्यू, क्योंकि तोते को कितना भी राम राम सिखाओ आप, लेकिन जब बिल्ली गर्दन दबाएगी तो ट्यों ट्यों बोलेगा, तब राम राम नहीं निकलता है। फिर वो अपना असली है, उसका जितना सिखाया था उतना तो बोल दिया, अब जब प्राण पे ही बन आई तो फिर राम राम नहीं निकलने वाला है। तो ऐसे ही जो असली रत्न होते हैं, असली जो महापुरुष होते हैं, उनकी फिर पहचान उसी समय होती है जब उनमें मुसीबत आ जाती है ना, तब भी वो अपने उसको छोड़ते नहीं है। जैसे इक्षु दंड है, उसको कितना भी आप मशीन में पेलते रहो, कितना भी कष्ट उस पे आए, पर मीठेपन को नहीं छोड़ता है वो। ऐसे होते हैं महापुरुष, इक्षु दंड जैसे, गन्ने जैसे होते हैं वो, कितना भी उनको पेलो आप, कितना भी आप उनको कष्ट दो, लेकिन वो अपनी सज्जनता को छोड़ते नहीं। कभी भी उससे कड़वा रस नहीं आएगा कि चलो अब तो मशीन में डाल दिया तो बड़े परेशान है तो कड़वा आ जाए, ऐसा नहीं आएगा। तो इन्होंने कहा कि ये धेनु क्या है, रत्न है। रत्नम ही भगवान एतद्, हे भगवान ये तो एक रत्न है। रत्नहारी च पार्थिव, पार्थिव मतलब जो पृथ्वी का मालिक है अर्थात राजा। राजा जो होता है वो तो रत्नहारी होता है, रत्नों को हरने वाला। जहां जहां भी कहीं रत्न है वो सब राजा की संपत्ति है, इसीलिए तो राजा है वो। तो उसको जहां कहीं कुछ अच्छा दिखेगा वो अपने पास बुला लेता, ये हमारे पास होना चाहिए। आज भी ऐसा ही है, पहले भी ऐसा ही था। जो पसंद आता है इनको, जैसे किसी के पास बहुत कुछ सामर्थ्य हो, ऐश्वर्य हो, तो वो उसको अपने पास लेना चाहते हैं। और साथ में ये और कह दिया, रत्नहारी च पार्थिव, ये तो हमारा हक है, कोई भी रत्न हमारे ही पास होना चाहिए क्योंकि हम राजा हैं। दूसरे के पास हमारे से श्रेष्ठ रत्न कैसे हो सकता है। जो भी श्रेष्ठतम रत्न है उस सब के ऊपर राजा का अधिकार है। तो इन्होंने भी ऐसे ही कहा, रत्नम ही भगवान एतद्, रत्नहारी च पार्थिव। राजा जो है वो रत्नहारी होता है, रत्नों को हर लेने वाला होता है। तस्मात शबलाम मे देही, इसलिए ये शबला आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि शबला एक रत्न है और रत्न किसी सन्यासी के पास कैसे रह सकता है, वो तो राजा के पास होना चाहिए क्योंकि वो राजा है। मम एषा धर्म तो द्विज देही, तो कह रहे हैं धर्मत हे द्विज, धर्मत एषा मम, राज धर्म को आप तो जानने वाले हैं तो धर्म का भी सहारा लें, तो ये मेरी है ये गाय। मम एषा, एषा मम, ये मेरी है, क्योंकि जो भी रत्न होता है तो राज धर्म क्या कहता है, वो सब राजा का है। तो कह रहे हैं मैं तो धर्म पूर्वक मांग रहा हूँ, ये मेरा धर्म है, कोई भी रत्न आपके पास कैसे रह सकता है, तो ये मुझे दीजिए। एवं उक्तस्तु भगवान वशिष्ठो मुनिपुंगवः विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम्।
तो जब इस प्रकार से इन्होंने वशिष्ठ जी को कहा, एवं उक्तस्तु वशिष्ठ भगवान मुनि पुंगवः, जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं, तो यहाँ देखो उनके लिए मुनि शब्द आया है, कहीं महर्षि आएगा, कहीं ब्रह्म ऋषि आएगा, तो इसका मतलब यह है कि ब्रह्म ऋषि तो सबसे ऊपर की संज्ञा है, पर उससे नीचे वाली भी तो सारी उसमें योग्यताएं होती ही है ना। जिस आदमी ने पीएचडी डॉक्टरेट किया है तो उसके अंदर बीए एमए वाली योग्यता भी होती ही है। तो यहाँ कहा मुनि पुंगव वशिष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि, एवं उक्तस्तु भगवान, इस प्रकार कहे जाने पर, विश्वामित्रेण विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, धर्मात्मा महीपतिम प्रत्युवाच, उस महीपति को इस धर्मात्मा विश्वामित्र ने ये उत्तर दिया, नाहम शत सहस्रेण नापि कोटि शतैर्गवाम राजन दास्यामि शबलाम राशि भी रजतस्यवा। तो कहा शत सहस्रेण नापि कोटि शतै, आप तो 1 लाख की बात कह रहे हैं, शतै कोटि 100 करोड़ भी, आप 100 करोड़ भी देना तो भी ना हम शत सहस्रेण नापि कोटि शतै गवाम, ना लाख गायों के बदले में शबला दे सकता हूँ और ना करोड़ गायों के बदले में दे सकता हूँ और ना 100 करोड़ के बदले में दे सकता हूँ, किसी भी कीमत के ऊपर इसको नहीं दिया जा सकता है। राजन शबलाम न दास्यामी, ना अहम दास्यामी, शबला को मैं नहीं दूंगा, राशि भी रजतस्य वा, आप सोने की राशि ढेर का ढेर मुझे दें, चांदी का दें, हजारों गायें दें, लाखों दें, करोड़ों दें, कोई भी कीमत दें, ना हम शबलाम दास्यामी, शबला मैं आपको नहीं दूंगा। न परित्यागम अर्हेयम मत सकाशाद अरिंदमा, हे अरिंदमा, हे शत्रु का दमन करने वाले, मत सकाशाद मुझसे, मेरे पास से, मत सकाशाद न परित्याग अर्हेयम, इयम परित्याग न अर्हेयम, ये मेरे पास से त्याग करने योग्य नहीं है, मुझसे दूर ये नहीं जा सकती है, ये मेरे पास ही रहेगी। कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो दी नहीं जा सकती। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि दूसरे को नहीं दे सकता है, अपनी बुद्धि से दूसरे की बुद्धि को एक्टिवेट तो कर सकता है, पर अपनी वाली सारी निकाल के कोई दूसरे को कहे कि जी इसको दे दो आप अपनी सारी विद्वत्ता, तो नहीं दी जा सकती है, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता उस व्यक्ति से जिसने उस विद्वत्ता को प्राप्त किया है। हाँ, वो दूसरे में भी जितनी संभावनाएं हैं उनको वो जरूर एक्टिवेट कर सकता है, तो कुछ चीजें नहीं दी जा सकती हैं। तो इन्होंने कहा कि ये मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, किसी कीमत पे भी नहीं दे सकता हूँ। कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए की कीमत से भी क्या किसी की बुद्धि को खरीद सकता है, क्या किसी की साधना को खरीद सकता है कि उसके पास आ जाए उसकी साधना, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, कितनी भी अनंत कीमत देने पर भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा मत सकाशाद अरिंदमः यम न परित्याग अर्ह, ये मेरे पास से इसका त्याग नहीं किया जा सकता। शास्वती शबलामह्यम कीर्तिरात्मवतो यथा अस्याम हव्यम च कव्यम च प्राणयात्रा तथैव च आयत्तम अग्निहोत्रम च बलिर्होमस्तथैव च स्वाहाकार वषट्कारौ विद्याश्च विविधास्तथा आयत् तमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशयः सर्वस्वमेतत् सत्येन मम तुष्टीकरी तथा कारणैर् बहुभिराजन्न दास्ये शबलां तव वसिष्ठेनैव मुक्तस्तु विश्वामित्रो ब्रवीत् तदा संरभत्तरमत्यर्थं वाक्यं वाक्यविशारद हैरण्यकक्षगर्वैः ग्रैवेयान् सुवर्णाङ्गकुशभूषितान् ददामि कुञ्जराणां ते सहस्राणि चतुर्दश
हैरण्यायां रथानां च श्वेताश्वानां चतुर्युजां ददामि ते सतान्यष्टौ किङ्किणीक विभूषितान् हयानां देशजातानां कुलजानां महूजसां। शाश्वती शबला मह्यम कीर्ति आत्मवत यथा। करें ये जो शबला है, कैसी शबला? ये मेरे लिए शाश्वती शबला, सदा रहने वाली शाश्वती शबला मह्यम। करें ये जो शबला गाय आप मांग रहे हैं, ये शाश्वत रूप से मेरे साथ रहने वाली है। मह्यम कीर्ति, ये मेरी कीर्ति है। आत्मवत यथा, ये मेरी आत्मा के समान है। आत्मा मतलब स्वरूप, इसका स्वरूप मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अस्याम हव्यम च कव्यम च प्राण यात्रा तथैव च। और कह रहे हैं इसी से मेरा हव्य, जो कुछ मैं हवन करता हूँ, तो मेरा हव्य, मेरा कव्य और मेरी प्राण यात्रा सब अस्याम, इसी में समाहित है, इसी के ऊपर डिपेंड करती है। ये नहीं है तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है। शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं होते हैं। शक्तिमान तो आत्मा होता है और शक्तियां उसकी स्व होती हैं, ऐश्वर्य होता है, तो उनको कभी उससे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणों को कभी पृथक नहीं किया जा सकता, दीपक और दीपक की किरणों को कभी पृथक नहीं किया जा सकता, तो ऐसे ही मनुष्य की आत्मा और आत्मा की शक्तियां, शक्तिमान और शक्ति, उनको अलग नहीं किया जा सकता। शक्ति है तो शक्तिमान है, शक्तिमान है इसका मतलब वो शक्ति उसके साथ जुड़ी हुई है। उसका नाम शक्ति इसीलिए है क्योंकि उसका कोई स्रोत होना चाहिए ना शक्ति का, तो शक्ति बिना शक्तिमान के नहीं रह सकती है और शक्तिमान बिना शक्ति के नहीं हो सकता है, क्योंकि शक्ति के कारण ही वो शक्तिमान है। तो दोनों का परस्पर, जिसको व्याप्ति कहते हैं संस्कृत भाषा में, तो इसको जैसे धूम जो है वो अग्नि के बिना नहीं रह सकता है। अग्नि तो रह सकती है, उधर दोनों तरफ से व्याप्ति नहीं है, तो कहीं कहीं समव्याप्ति होती है, कहीं कहीं विषम व्याप्ति होती है। तो समव्याप्ति में दोनों दोनों के बिना नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं हव्यम कव्यम प्राण यात्रा अस्याम तथैव च। मह्यम, मह्यम हव्यम, मह्यम कव्यम, मह्यम प्राण यात्रा च अस्याम, मेरा सब कुछ इसी के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा हव्य, जो कुछ मैं हवन करता हूँ, हवन करना मतलब दान देना किसी को, जो कुछ भी देता हूँ मैं, वो सब मेरा इसी के ऊपर निर्भर है। और मेरा कव्य, कव्य मतलब प्रसन्नता, जो मेरे पास प्रसन्नता है, हर्ष हर्ष है, खुशी है, संतुष्टता है, वो सब इसी के ऊपर ही डिपेंड है। और प्राण यात्रा तथैव च, और वैसे ही मेरी प्राण यात्रा, मेरा पूरा जीवन, मेरा जीवन जिस रूप में है उसका आधार ये शबला ही है। एक ही तो चीज है मेरे पास और बाकी का कोई धन तो है नहीं। तो साधकों के पास एक ही तो धन होता है साधना का, और कोई धन तो होता नहीं है उनके पास। जिनकी अपने गुरु में भक्ति है, एक बार उनसे बात हो रही थी मेरी, श्रद्धे स्वामी जी डुमेट वाले स्वामी प्रेम विवेकानंद जी, तो मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा महाराज जी बड़े स्वामी जी महाराज का क्या हाल है आजकल, ये चल रहा है ना कोरोना काल, तो बोल जी उनको हम बिल्कुल बचा के रखते हैं किसी से भी ना, अभी हमने आश्रम बंद कर रखा है तो किसी को भी हम आने नहीं देते हैं क्योंकि उनकी बड़ी उम्र हो गई। तो बोले हमारे पास एक ही तो धन है, गुरु के अलावा तो और कुछ है ही नहीं हमारे पास, वही तो हमारा धन है, तो उनको हम बिल्कुल बचा के रखना चाहते हैं। तो देखो कितना ऊंचा भाव है, इसको कहते हैं प्रीति। ये गुरु ही तो है हमारे पास और तो कोई धन है ही नहीं, तो जिसको जिससे कुछ मिला है वो उसको बहुत महत्व देता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक शबला ही तो है, तो इसी के साथ ही तो मेरा हव्य कव्य प्राण यात्रा सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। और ये भावना यदि प्रत्येक व्यक्ति को पहचाननी आ जाए तो 99% झगड़े नहीं हो सकते फिर संसार में। कृतज्ञता नाम का गुण यदि आ जाए, क्योंकि किसी ना किसी को, किसी ना किसी से तो कुछ मिला ही है ना,
माँ बाप से मिला है, गुरुजनों से मिला है, गृहस्थ में जाते हैं तो पति पत्नी एक दूसरे के आलंबन होते हैं, बच्चों के लिए माता पिता आलंबन होते हैं, किसी व्यक्ति से कहीं नौकरी पेशा मिला है तो बॉस उसमें आलंबन बनता है, तो कहीं ना कहीं से तो व्यक्ति की जीवन यात्रा चली रही है, छोटी या बड़ी। उसके प्रति यदि कृतज्ञता का भाव हो कि हमारे पास आज कुछ भी है, जिस रूप में आज लोग आपको पहचानते हैं, मानो आप कल आचार्य बन जाओगे, तो जिन जिन लोगों ने आपको आचार्य बनाने में सहयोग दिया है, तो उन्हीं के सहयोग के बदौलत ही तो लोग आज आपको आचार्य कह रहे हैं। तो यदि मन में ये कृतज्ञता का भाव हो कि भाई हम इनके प्रति कृतज्ञ हैं, इन्होंने ही हमारे को इस लायक बनाया, तो फिर उनके साथ कभी भी झगड़ा नहीं हो सकता है और उनके प्रति अश्रद्धा का भाव नहीं आ सकता है कभी भी। तो कितने लोगों का सहयोग होता है देखो, उसमें खाना खिलाने वाले भी हैं, अलग अलग विद्याएं पढ़ाने वाले भी हैं, हमें आश्रय देने वाले, मकान देने वाले भी हैं, भोजन देने वाले भी हैं, एक सफाई करने वाला भी, उसका भी सहयोग है, वो प्रतिदिन सफाई कर देता था उस आंगन में जिस आंगन में आप पढ़ते थे, बहुत लोगों का सहयोग होता है। उन सबके प्रति यदि कृतज्ञता का भाव हो तो ये व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं हो सकता है और कभी भी उनके प्रति डिसरेस्पेक्ट का भाव नहीं आ सकता है। आगे कहा, आयत्तम अग्निहोत्रम च बलि होमस तथैव च। और ये ऐसा विज्ञान है, यदि हमारे मन में कृतज्ञता नहीं है तो आगे आप जिनके लिए करेंगे ना, उनके मन में आपके प्रति कृतज्ञता नहीं होगी। ऐसे ही चलता है ये। हमें यदि ये चाहना है, मतलब जिस व्यक्ति को ये चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करें, इसी अरमान से उनको अच्छे स्कूलों में शिक्षा दिलाई जाती है, घरों में भी अच्छे संस्कार दिए जाते हैं कि ये अच्छे नागरिक बने, तो जिसको ये अपेक्षा है कि हमारे बच्चे हमारा सम्मान करें, तो उनको अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान करना सीखना चाहिए। यदि वो अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं और अपने बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं कि वे उनका सम्मान करें, तो वो कभी भी नहीं होगा, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बीज जो बोया है वही तो अंकुर आएगा ना। तो बीज तो किसका बोया था आपने? अपमान का, अश्रद्धा का, अकृतज्ञता का। तो पौधा कौन सा उगेगा? वही उगेगा। पौधा श्रद्धा का कैसे उगाएगा? और यदि आपने बीज ऐसा बोया है, आप अपने माता पिता का, गुरुजनों का श्रद्धा पूर्वक उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो वो बच्चों को शब्द सिखाने की भी जरूरत नहीं है, फिर बच्चे वैसे ही बनेंगे। आयत्तम अग्निहोत्रम च बलिर्होमस्तथैव च स्वाहाकार व षटकारौ विद्याश्च विविधास्तथा। और इस कामधेनु के अधीन ही मेरा क्या है? आयत्तम, आयतन कहते हैं विस्तार, माने जो भी मेरी पर्सनालिटी है, जो कुछ भी मेरे पास है, उस सब का आधार यही है। आयत्तम अग्निहोत्रम च, और जो अग्निहोत्र, मेरा पूरा जीवन ही एक अग्निहोत्र है, और जो स्थूल अग्निहोत्र है वो भी इसी पे डिपेंड है, क्योंकि घी दूध सब इसी से आता है। और बलि होम तथैव च, तो अनेक प्रकार के जो होम होते हैं, यज्ञ होते हैं, उनमें बलि वैश्वदेव यज्ञ भी है, वो भी इसी के अधीन है। स्वाहाकारम वषटकारो, दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, जो छोटे यज्ञ हैं उनमें आहुति देते समय स्वाहा बोला जाता है, और जो बड़े यज्ञ होते हैं उनमें वौषट ऐसे बोला जाता है। इसमें बैठ करके आहुतियां दी जाती हैं छोटे यज्ञों में, बड़े वाले में खड़े होकर के दी जाती हैं, वषटकारम। जैसे यहाँ बोलते हैं ओम भूर्भुवस्व तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, और उसमें बोलेंगे प्रचोदयात् वौषट, खड़े होकर डालते हैं इसे। तो इनके जो भी छोटे बड़े अग्निहोत्र हैं, स्वाहाकारम वषटकारौ विविधा विद्याश्च, और अनेक प्रकार की जो विद्याएं मेरे पास हैं, वो सब किसके अधीन हैं? शबला के अधीन है, इस कामधेनु के ही अधीन है। अर्थात मन ही आधार है सब विद्याओं का,
जो हमारे पास मन है, बुद्धि है, तो वो ही सब विद्याओं का आधार है। अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो एक मिनट में व्यक्ति विद्वान से मूर्ख बन जाएगा, उसको कुछ होश ही नहीं रहेगा, उसको कुछ याद ही नहीं रहेगा क्या करना है। तो आधार यही है। आयत्तम अत्र राजर्षे सर्वम एतत् न संशय। हे राजर्षि, अत्र आयत्तम सर्वम एतत्, सब कुछ का आश्रय यही है, इसमें न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, मेरा सब कुछ इस काम धेनु के ही अधीन है। सर्वस्व सर्वस्वम एतत् मम सत्येन तुष्टिकारी तथा। तो कह रहे हैं ये गो ही मेरा सर्वस्व है, सर्वस्वम एतत् सत्येन, ये मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ कि सब कुछ मेरे लिए ये गौ ही है, तुष्टि करी, ये सब प्रकार से मुझे तुष्ट करने वाली है, मेरी सारी संतुष्टियां इसी पे डिपेंड करती हैं। तुष्टि करी तथा कारणई बहु भी राजन न दास्य शबलाम तव। तो ये कुछ तो मैंने कारण गिना दिए हैं आपको, और ऐसे कुछ और भी बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से मैं आपको ये शबला गौ नहीं दे सकता हूँ, तो आप माफ करें, इस तरह की डिमांड ना करें। वसिष्ठेन एवं उक्तस्तु विश्वामित्रो अब्रवीत तथा संरब्धतरम अत्यर्थम वाक्यम वाक्य विशारदः। तो इस प्रकार जब वशिष्ठ ने कहा, वसिष्ठेन एवं उक्तस्तु, तदा विश्वामित्रो अब्रवीत, विश्वामित्र जी ने कहा, कैसे कहा, संरब्धतरम अत्यंत क्रोधित होकर के, अर्थम वाक्य विशारदः, इस प्रकार उस वाक्य विशारद से उन्होंने कहा। तो क्या कहा क्रोध में आकर के, ये हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। ओ शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः। नाते से सब नाते इससे सभी सुहाते, हरि के नाते से सब नाते इससे सभी सुहाते, किससे वैर करेंगे प्यारे देव धरूप धर आते, किससे वैर करेंगे प्यारे देव धरूप धर आते, स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते, स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते, पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते, पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते, हरि के नाते से सब नाते इससे सभी सुहाते, किससे वैर करेंगे प्यारे विविध रूप